दोस्तों हम सब लोग YouTube का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ऑब्वियसली आप ये वीडियो YouTube पर ही देख रहे होंगे। मैं आपको दोस्तों इस वीडियो में YouTube के ऐसे 7 सीक्रेट बताने वाला हूं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तु टेक चैनल पे। जब फ्रेंड्स YouTube के 7 सीक्रेट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा YouTube के बारे में और बताना चाहूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ग्लोबली अगर देखा जाए तो 72 आवर्स से ज्यादा का प्रति मिनट कंटेंट YouTube पर अपलोड होता है, मतलब 72 घंटे प्रति मिनट आपका YouTube पर कंटेंट अपलोड होता है। अगर मैं मंथली विजिटर की बात करूं तो 800 मिलियन विजिटर यूनिक नए आते हैं, मतलब YouTube पर नए विजिटर आते हैं 800 मिलियन से भी ज्यादा। दोस्तों मैं डेली बेसिस की बात करूं तो 4 बिलियन से भी ज्यादा प्रति आवर्स आपका कंटेंट जो है YouTube पर देखा जाता है, मतलब 4 बिलियन प्रति घंटे YouTube पर कंटेंट देखा जाता है डेली की बेसिस से। सोचिए दोस्तों कितना ज्यादा बड़ा नंबर है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं 7 सीक्रेट की। तो सबसे पहले मैं जो सीक्रेट बताने वाला हूँ वो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। दोस्तों हम लोग YouTube इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली व्हाइट थीम का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हमारी आंखों में बहुत ज्यादा लॉस भी हो रहा है। क्या आपको पता है दोस्तों YouTube का भी डार्क मोड इनेबल हो गया है? मुझे उम्मीद है आपको दोस्तों ये नहीं पता होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका YouTube व्हाइट मोड में दिया गया, आप उसको डार्क मोड में करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? दोस्तों तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने अपना YouTube स्टार्ट कर लिया। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने YouTube के अकाउंट में चले जाना है। YouTube के अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जनरल सेटिंग का। जनरल सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको डार्क थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपको सिर्फ और सिर्फ इनेबल करना है। जैसे ही आप दोस्तों इनेबल करेंगे वैसे ही आपने देखा ये डार्क मोड में आ गया दोस्तों। अब आप दोस्तों मेरा YouTube देख पा रहे होंगे, ये डार्क मोड में आ गया। अब इससे क्या होगा कि अब आपकी आंखों में कैसा भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, कितना भी आप YouTube को इस्तेमाल करिए। वैसे दोस्तों क्या आपको ये पहले से पता था? अगर पता था तो भी बताइए कमेंट में, अगर नहीं पता था तो भी बताइए जरूर से कमेंट। दोस्तों जो मैं आपको सेकंड सीक्रेट बताने वाला हूं, ये बेसिकली इसका रोल क्या है मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, YouTube का इस्तेमाल करते हैं तो आपके रिकमेंडेड कंटेंट ही आपको दिखाता है। अगर आप चाहते हैं कि रिकमेंडेड कंटेंट ना दिखाए, आपको फ्रेश कंटेंट दिखाए, तो YouTube ने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है। तो वो ऑप्शन आप कैसे यूज कर सकते हैं, आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में फिर से चले जाना है। वहां पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टर्न ऑन इनकोगेटो। इसको आप जैसे ही इनेबल कर देंगे दोस्तों, उसके बाद जो आपके सामने YouTube का जो कंटेंट आएगा वो बिल्कुल फ्रेश आएगा। दोस्तों आप यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश कंटेंट देख पा रहे होंगे। अगर आप दोस्तों इसको हटाना चाहते हो तो फिर से आपको यहाँ पे टॉप पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपका आइकन वाला था उस पर आप क्लिक कर देंगे, टर्न ऑफ इनकोगेटो। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका फिर से पहले वाला YouTube आपको शो करा देगा। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी का फोन लेते हैं वहां पे आपको फ्रेश कंटेंट देखना, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं और फिर से इसको डिसेबल करके उसको दे सकते हैं। इसको नजर डालेंगे तीसरे सीक्रेट पर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग YouTube इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो MB है, हमारा जो डेटा है, बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप अपने डेटा को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फिर से अपने अकाउंट में चले जाना है। अकाउंट में जाने के बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको जनरल वाला सेटिंग ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, लिमिट मोबाइल डाटा यूजेस। आप जैसे इसको क्लिक कर देंगे दोस्तों, इसका फायदा क्या है कि जब भी आपके पास वाईफाई होगा तभी भी आपको ये HD वीडियो दिखाएगा, अदरवाइज ये आपका HD वीडियो कंज्यूम नहीं करेगा। इन द सेंस ये HD वीडियो चलेंगी लेकिन फुल HD में नहीं चलेंगी। तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं तो आपका जो डेटा है वो सेफ रहेगा और आपका डेटा ज्यादा। वैसे दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको ये YouTube के सीक्रेट, हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को बड़ा सा लाइक दीजिए। चलिए दोस्तों डालेंगे एक नजर यहाँ पे चौथे सीक्रेट की तरफ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है, आपका काफी ज्यादा टाइम बचा सकता है। जनरली क्या होता है दोस्तों, हम लोग वीडियो देख रहे होते हैं YouTube पर, तो अगर हमें वीडियो को आगे करना होता है तो हम डुअल टैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, 10 सेकंड आगे वीडियो चली जाती है। अगर आप बैक करते हैं तो ऑटोमेटिकली 10 सेकंड बैक वीडियो चली जाती है। लेकिन अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपके हिसाब से कस्टमाइज हो, वैसे दोस्तों मुझे पता है आपको ये वाली बात नहीं पता होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये 10 सेकंड की जगह 20 सेकंड आगे जाए या 30 सेकंड आगे जाए, वो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए मेरी मोबाइल स्क्रीन पर। तो फिर से दोस्तों आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको जनरल पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, डुअल टैप टू सीक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, 5 सेकंड से आप 60 सेकंड, मतलब 5 सेकंड से लेकर के
60 सेकंड मतलब एक मिनट तक आप अपनी वीडियो को आगे तक ले जा सकते हैं। तो जैसे भी आप करना चाहते हैं, 15 सेकंड करना चाहते हो तो 15 सेकंड यूज कीजिए, 30 सेकंड करना चाहते हो तो 30 सेकंड यूज करिए, आप अपने हिसाब से इसको इनेबल कर सकते हैं। इससे क्या है, आपका काफी ज्यादा टाइम बच रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल वाले आइकन को हिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। वैसे हमने एक और वीडियो बनाई है टिप्स एंड ट्रिक्स की, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आई बटन में भी दे दूंगा, जाकर के आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मैं आपको पांचवें नंबर का सीक्रेट बताने वाला हूँ, ये वाकई में दोस्तों आपके लिए, आपके घर वालों के लिए या आपके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। बेसिकली क्या होता है, अगर आपका मोबाइल सारे लोग यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फीचर्स बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हम लोग क्या करते हैं, YouTube चला रहे होते हो तो आपके सामने कभी कभार ऐसा भी होता है कि गंदा कंटेंट भी आ जाता है, और उस टाइम पे अगर आपका बच्चा या फैमिली का कोई भी यूज कर रहा होता है तो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके YouTube के होम स्क्रीन पर ऐसे कंटेंट ना आए तो आप इसको अपने हिसाब से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं क्या करना है। अगर आप चाहते हो दोस्तों आपको ये चीजें ना दिखाई, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक वीडियो दिख रही है, जैसे कि मैं चाहता हूँ इस टाइप की मेरे को वीडियो ना दिखाई दे, तो यहाँ पे आपको बगल में एक थ्री डॉट का ऑप्शन दिख जाएगा। थ्री डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं वहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नॉट इंटरेस्टेड का, यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर देते हैं तो इसका सेंस क्या होगा कि आपके पास ना ही तो इसके रिलेटेड वीडियो दिखाई जाएगी और ना ही इस चैनल की वीडियो आपको आगे से दिखाई जाएगी। ये दोस्तों एक बहुत अच्छा फीचर्स है और इसकी मदद से आप गंदा गंदा कंटेंट जो है आप देखते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ से छिपा सकते हैं या हमेशा के लिए यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर्स था। अगर दोस्तों आपको ये फीचर्स पहले से पता था तो हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको ये फीचर्स अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को मैं अगेन कहूंगा एक बड़ा सा लाइक दीजिए। डालते हैं दोस्तों छठवें नंबर सीक्रेट के ऊपर नजर, ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। बेसिकली क्या होता है, हम अपने YouTube पर बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं तो हमारे वो सर्च हिस्ट्री में रह जाती है, या हम YouTube पर बहुत सारी चीजें देखते हैं तो हमारे वो सर्च हिस्ट्री के वॉच में रह जाती है। तो आप चाहते हैं कि आपने जो सर्च किया है वो किसी को ना दिखाई दे, या आपने जो देखा है वो किसी को ना दिखाई दे, तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, कस्टमाइज करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे अपने सेटिंग पे जाएंगे तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा हिस्ट्री एंड प्राइवेसी का। हिस्ट्री एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे यहाँ पे आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, पॉज वॉच हिस्ट्री और पॉज सर्च हिस्ट्री। क्या होगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों, आपने जैसे इन दोनों को इनेबल कर दिया तो आप जो भी YouTube पर आप सर्च करने वाले हैं या जो भी आप YouTube पर देखने वाले हैं वो कंटेंट आपको ना ही तो सर्च हिस्ट्री में दिखाई देगा और ना ही आपके वॉच हिस्ट्री में दिखाई देगा। ये दोस्तों एक कमाल का फीचर्स है और बाकी सारे लोग बहुत ऐसे खूबिया लोग होते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे दोस्तों आपको नहीं पता था, मैंने आपको बता दिया, आप आगे से ऐसा कर सकते हैं। अब दोस्तों जो मैं आपको सेवंथ नंबर का सीक्रेट बताने वाला हूँ, जो कि लास्ट सीक्रेट है, ये आपके काफी ज्यादा काम का होगा। जनरली क्या होता है, हम लोग यूट्यूब पर जो सर्च करते हैं जो हमें चाहिए होता है वो एग्जैक्टली हमें नहीं मिल पाता है, तो हमारा उस टाइम पर बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता है। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। सपोजिंगली आप यूट्यूब पर देख रहे हैं कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाए, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप ये डालेंगे तो आपके सामने बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, लेकिन कोई पूरी डिटेल्स में आपको नहीं बता पाता है। तो वो आप अगर सही तरीके से कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको फुल डिटेल में वहां पे वीडियो देखने को मिलेगी और एक ही वीडियो में आप सारी जानकारी ले पाएंगे। वो कैसे करते हैं दोस्तों, मैं आपको करके बताता हूं। अब आपने दोस्तों डाला यहाँ पे सर्च में हाउ टू मेक वीडियो फॉर यूट्यूब, YouTube के लिए कैसे वीडियो बनाए। अब आप यहाँ पे इसको सर्च करेंगे तो बहुत सारे रिजल्ट शो करा देगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट देखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगा करके बाद में आपको डाल देना फुल ट्यूटोरियल। जैसे ही आपने कॉमा लगा करके फुल ट्यूटोरियल डालेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको जो वीडियो शो कराएगा वो फुल ट्यूटोरियल शो कराएगा, मतलब 15 मिनट का, 20 मिनट का, एक एक घंटे के शो कराएंगे। एक ही वीडियो में आपको सारी जानकारी दोस्तों मिल जाएगी। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा फीचर दोस्तों, इस तरीके से आपका काफी ज्यादा टाइम बच जाएगा। बेसिकली हम लोग बहुत सारी चीजें देखते रहते हैं और हमें एग्जैक्टली वो नॉलेज नहीं मिल पाती है, तो एक ही वीडियो में आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी इस तरीके से दोस्तों। तो आपको आई होप ये वाली चीज जरूर से पसंद आई। चलो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि उन लोगों को ये पता चल सके कि YouTube के कौन से ऐसे सीक्रेट हैं जिनको उनको जरूर से जानना चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे बने हुए यहाँ तक आ गए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हो तो चेक करें कि आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया है कि नहीं किया है, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपके लिए नए नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।